निकाल लेंगे। देखो बता देता हूँ आपको, देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है। फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड वेज व्हेन द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम द वेज इन द पोजीशन शोन इन द फिगर। तो जस्ट आफ्टर द रिलीज आप क्या करेंगे, एफ बी डी ड्रॉ करेंगे इसका। तो आप पॉइंट मास की तरह मान लीजिए, इस तरह से बना के ड्रॉ कर दीजिए। तो एक तो एम जी आएगा इस पे, दूसरा आपने बाउंड्रीज पे ट्रेवल किया तो एक कॉन्टेक्ट सरफेस मिली, कॉन्टेक्ट सरफेस पे जाके पुश कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा इस डायरेक्शन में, या आपको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं आ रहा। तो आपको बता रखा है मैंने एम जी कैसे लगाना है वेज के ऊपर। वेज के ऊपर एम जी ऐसे ही लगाना है बेटा, कंपोनेंट फॉर्म में हमेशा। जैसे ये थीटा है तो आपको पता है 90, 90 माइनस थीटा, ये भी थीटा हो गया। तो ये कंपोनेंट कितना आ गया आपका, एम जी कॉस थीटा आ गया। इधर वाला कंपोनेंट कितना आ गया, एम जी साइन थीटा आ गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या आ गया आपका, एम जी साइन थीटा आ गया। तो इस तरह का ब्लॉक है आपका, आपने वेज पे से रिलीज किया है। तो आपको एक्सेलरेशन बताना है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताना है बिटवीन ब्लॉक एंड वेज। तो अलॉन्ग, इसको आप चाहे से एक्स एक्सिस बोल दीजिए, इसको वाई एक्सिस बोल दीजिए। तो अलोंग द इंक्लाइन, अलोंग द एक्स एक्सिस आप एफ इक्वल्स टू एम ए अप्लाई करिए। ठीक है, आपने एफ बी डी ड्रॉ कर लिया, एक्सिस डिसाइड कर दिया, एक्सेलरेशन अलोंग द वेज इसी डायरेक्शन में। तो लो एक्सेलरेशन डायग्राम भी बना दो। वेज को तोड़ के अंदर तो नहीं जा रहा, वेज फिक्स्ड है अभी इसलिए वेज मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू ए एक्स। तो यहाँ से आपका ए एक्स कितना आ गया, ए एक्स आ गया आपका जी इंटू साइन थीटा। ये अलोंग द इंक्लाइन एक्सलरेशन आ गया जो पूछा था इसने। ठीक है, फिर पूछ रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो आप अलोंग द वाई एक्सिस फोर्स बैलेंस कर दीजिए, अलॉन्ग वाई एक्सेस फोर्स बैलेंसिंग कर दिया आपने, अलॉन्ग वाई एक्सेस फोर्स बैलेंसिंग, क्योंकि बैलेंसिंग उसमें एक्सलरेशन नहीं है इसलिए। तो एन माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ जाता है इस तरह के ब्लॉक और वेज के बीच में, एम जी कॉस थीटा आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं अपन, देखिए।